नमस्कार दोस्तों मैं प्राची सुपर कोचिंग आई ई एस वे टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक के द्वारा एक नई सीरीज दैट इज़ वीकली करंट अफेयर को आपके लिए स्टार्ट किया गया है इस सीरीज़ में अब तक हम इन्वायमेंट यानी कि पर्यावरण साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के, अर्थ के वीकली करंट अफेयर को पूरा कर चुके हैं आज की वीडियो में हम प्लेसेज इन न्यूज यानी कि चर्चा में रहे जो स्थान थे उन पर चर्चा करेंगे इस सीरीज में फोकस किस पर रहेगा इस सीरीज में मैपिंग लोकेशन पर फोकस रहेगा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो भी लोकेशन के अंदर रहेंगे उन पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जैसे कोई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई आईलैंड कोई कोई रिवर है ना या किसी तरह का ज्योग्राफिकल प्लेस कोई कंट्री या फिर कोई ओशियन है ना जो भी न्यूज में रहा होगा कोई झील वगैरह उन सारी चीजों पर दैट मीनस कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस है जिसको मैप मैपे लोकेट किया जा सकता है उसको जो है हम इस अपने वीडियो के अंदर टारगेट करेंगे तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मोर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लोकेशंस जो होंगी उनको जो है हमारे द्वारा इस वीडियो में कवर किया जाएगा वीडियो में स्टार्ट करूँ इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे टेक्स्ट बुक चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं हमारे द्वारा किया जा रहा एफर्ट और मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इन वीडियोज को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर हमें लगता है कि वो फीडबैक हम अपनी वीडियोस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो मेरी टीम के द्वारा उस पर ज़रूर काम किया जाएगा इसके साथ ही आपको बने रहना है सुपर कोचिंग आई एस वाई टेक्सट बुक के साथ हम बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी आपके लिए लेकर आए हैं हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है एंड हमारे जो है रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप देख पाते हैं द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस ये वीडियो हमारा लाइव क्लास के माध्यम से सुबह आठ से नौ जो है आता है इसको भी आप देख सकते हैं आपका द हिंदू न्यूज़ ऑन अ डेली बेसिस यहाँ से कवर हो जाएगा मैंने आपको पहले भी कहा था करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए दो वीडियो आपके जो है सफिशिएंट है द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पूरा का पूरा सुन लेंगे एंड देन आप अपने वीकली करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे तो प्रीलिम्स के लिए और मीन्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला जो काम है वो यहां से हो जाएगा दैट इज सफिशिएंट फॉर द करंट अफेयर प्रिपरेशन और ये जो है हमारे द्वारा दिया जा रहा है इसके अलावा सर के द्वारा भी किंजल सर और अनिरुद्ध सर के द्वारा भी जो है करंट अफेयर की वीडियोस जो है लगातार अपलोड किए जाते हैं और जो राहुल सर है सोनप्रिया मेहमे आकाश सर हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पर लाइव क्लासेस भी लेते हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर देखिए हम करीब छः टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं पहला जो आपका है वो है माउना लोआ वॉलकैनो ठीक है दूसरा जो है ओकावांगो डेल्टा है तीसरा कोस्टल रेड सेंट ड्यून्स है चौथा जो टॉपिक है वो है कॉन्डिनिया इसके बाद पांचवा देखेंगे तो विजनजम पोर्ट है डिफिकल्ट फॉर मी एंड देन जो टॉपिक है, है। ये है आपका तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य आइए एक एक करके हर चीज को देखते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज माउना लोआ वॉलो तो ये क्यों न्यूज में था यहाँ पे एक आर्टिकल आप देखेंगे कि जो बेसिकली ये वोल्केनो है ये चालीस साल बाद जो है आप कहेंगे किस्मिक विस्फोट देखने को मिला है इस वजह से चर्चा में था तो अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्टिव वोल्केनोज हैं, उनकी बात की जाए एक्टिव वोलैनो का मतलब जिनमें विस्फोट होते रहता है टाइम टू टाइम और जो सुषुप्त हो जाते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं उनके अंदर बेसिकली विस्फोट होना बंद हो गया जो मैग्मा टू लावा एक निकलता था वो प्रोसेस वहां पे बंद हो चुका है ठीक है तो जितने भी एक्टिव वोल्कैनो हैं दुनिया में उसमें ये लार्जेस्ट एक्टिव है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बेसिकली जो आपकी हवाई आइलैंड की पूरी सीरीज मिलती है वहां पर आप देखेंगे कि स्थित है और ये जो इसमें इरप्शन देखा गया था ये साइज सत्ताईस नवंबर 2022 को देखा गया था पिछले 40 सालों में देखा जाए तो ये जो हवाइन आइलैंड है उनमें टोटल छः एक्टिव वोलैनोज़ हैं ठीक है चेके? और इन वोल्कैनोज का लावा ही इन आइलैंड की जो खूबसूरती को भी बढ़ाता है ठीक है इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इन छः में से जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये लार्जेस्ट एक्टिव ऑन द अर्थ है और अगर हम बात करें 1843 से इसमें लगातार इरप्शन देखने को मिले हैं और यूएसजीएस के द्वारा डाटा आया था कि करीब 33 बार जो है इसमें एक्टिविटी देखी गई है अब आइए लोकेशन पे बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैक्सिको कनाडा नॉर्थ अमेरिका का एक मैप आप देख पा रहे होंगे अगर इससे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे दैट इज इन पैसिफिक ओशन अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अटलांटिक ओशन आपको दिखता है वेस्ट की तरफ जाने पर यहाँ पर आप हवाई जो आइलैंड्स का एक पूरा सीरीज है उसको लोकेट कर सकते हैं इसी को अगर जूम करके देखा जाए तो यहाँ बेसिकली आप देख सकते हैं पूरा दिख रहा है इसमें ही यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है बेसिकली लोकेशन आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं ठीक है तो हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा माउना लोआ वोल्केनो अब यहाँ पे आ जाइए ये आपको क्या दिख रहा है माउना लोआ ये आपका प्लेस है तो हवाई आइलैंड की सीरीज में ये है इसको थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं ये है आपका आ, ओका वांगो डेल्टा तो देखिए ओका वांगो डेल्टा इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो ऑयल कंपनीज है वहां पर दरअसल ऑयल्स के लिए क्या कर रही हैं ड्रिल वगैरह कर रही हैं लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसकी वजह से वहां की जो, है, वहां की जो जैव विविधता है, है, तो है? है कि ये न्यूज में है ठीक है तो देखते हैं कि किस तरह का ये पूरा का पूरा डेल्टा है किस तरह की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है उससे पहले थोड़ा सा इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज इस बोत्सवाना इसी बोत्सवाना का ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है उत्तरी और पश्चिमी वाला जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली ये डेल्टा जो है मिलता है इसको अगर जूम कर ले मैं कैमरे से बाहर हो जाती हूँ मैं आप देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए ये जो ओकावांगो रिवर है ठीक है अंगोला से जो बेसिकली चलकर आ रही है दिस इज अंगोला राइट तो अंगोला से जो चल के आ रही है ये यहाँ पर जिसके नॉर्थ वेस्ट में इस ओकावेंगो डेल्टा को बेसिकली क्या करती है फॉर्मेट करती है क्लियर आइए अब इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या बताया बोत्सवाना के नॉर्थ वेस्ट में है नाउ क्लियर एक बार पिक्चर देख लिए, मैप में देख लिया चीजें क्लियर हो गई परमानेंट मार्शलेंस यहाँ पे है और सीजनली फ्लडेड प्लेन्स यहाँ पे बनता है देखिए ये जो रिवर है ये टाइम टू टाइम बाढ़ का पानी लेके यहाँ पे आती रहती है तो एक दलदलीय सी भूमि यहाँ पर दिखाई देती है इसलिए मैप में भी देखिए ओकावांगो स्वैम्प्स लिखा हुआ है मार्शेज यहाँ पर जो है मिलते हैं क्लियर किसने बनाया है ओकावांगो रिवर ने बनाया इजी टू रिमेम्बर सेम नेम और अगर आप देखेंगे कहाँ से वो जनरेट होती है तो अंगोला हाईलैंड से वो भी हमने मैप में देखा इम्पोर्टेंट क्यों है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है साउथन अफ्रीका के अंदर और इसका जो नाम है वो सेवन नेचुरल वंडर्स जो है अफ्रीका के उसमें भी आता है तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट राइट इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा देखिए बहुत ही ऐसे कम जो हैं लार्ज इनलैंड डेल्टा के सिस्टम हैं जिनका जो है सी यानी कि समुद्र की तरफ कोई आउटलेट नहीं है अब ये जो मार्शेस के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है इसका एक आउटलेट समुद्र की तरफ होना चाहिए बट ये वन ऑफ द आप कह सकते हैं फ्यू एग्ज़ाम्पल्स में है जिसका आउटलेट सी की तरफ नहीं है ठीक है इसीलिए इसको एंडोरिक डेल्टा भी बोलते हैं ठीक है कुछ इस तरीके की ये फॉर्मेशन होती है ठीक है इसका कोई आउटलेट नहीं होता आप कह सकते इस तरह की ये फॉर्मेशन होती है अब जब ये एंडोरिक डेलता है तो उसका वाटर फिर ड्रेन कहाँ पे होता है दरअसल जो डेजर्ट सिंड है है ना कालाहारी बेसिन वहां पर जो है इसका वाटर ड्रेन होता है क्लियर एक कॉन्सेप्ट समझा हमने ध्यान रखिएगा हमारी लोकेशन क्लियर है फीचर्स की बात करें तो एनुअल फ्लडिंग की वजह से क्या है यहाँ पर हमें बेसिकली एक दिखता है मौशी सा इकोसिस्टम दिखाई देता है और बेसिकली ड्राई सीजन भी बीच बीच में आते रहते इसीलिए यहाँ का जो बायोलॉजिकल साइकल है ना वो सिंक्रोनस हो गया है इन सीजनल रेन्स और फ्लड्स के साथ यानी कि यहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट हैं नेटिव यहाँ के जो लोकल एनिमल और प्लांट हैं उन्होंने अपने आप को इस इकोसिस्टम के साथ क्या है एक तरीके से अडेप्ट कर रखा है ठीक है इसलिए एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है यहाँ पे क्लाइमेटिक हाइड्रोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक इंट्रैक्शन देखने को मिलता है इसीलिए तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ठीक है किस तरह की कि जो है बायोडाइवर्सिटी मिलती है सवाना के एलिफेंट कैप बुफेलो राइनो लायंस लापर्स यहाँ पर मिलते हैं चार सौ प्रकार की चिड़ियों की प्रजाति है और करीब हज़ार प्रकार के पौधे जो है यहाँ पर मिलते हैं ठीक है इसके अलावा जो इंडिजीनियस पीपल है जो लोकल वहाँ के लोग हैं जैसे कि सेन उनका ये घर भी है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी ठीक है ये एक आप एक छोटा सा पिक्चर देख सकते हैं लॉयंस जो हम वाटर में इन्जॉय कर रहे हैं अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की दैट इज कोस्टल रेड ड्यून्स ठीक है अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूज में था देखिए रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो बेसिकली विशाखापट्टनम के पास रेड एंड ड्यून्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कीजिए ये ग्लेशियल पीरियड के कोस्टल रेड एंड ड्यून्स हैं ग्लेशियल टाइम के हैं है।, है ना ये थोड़ा सा याद रखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा जो है

जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जी एस, उसके द्वारा 2014 में इसको जियो हेरिटेज साइट के रूप में जो है घोषित कर दिया गया था वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे तीन प्लेस हमें सब देखने को मिलते हैं पहले तो एक्चुअली ये है आपके तमिलनाडु के अंदर तेरी सेंट्स देन ये ईरा ईरामी है विशाखापटनम में एंड देन एक तीसरा है जो आपको श्रीलंका में देखने को मिलता है ठीक है तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा देखिए रेड ड्यून्स ये जो कलर है इसी से ये नाम जो है डेराइव हुआ है राइट अच्छा इनकी यूनिकनेस क्या है पहली बात तो जो है पृथ्वी का जो एक वोल्यूशन रहा है है ना उसको समझने में ये हमें हेल्प करते हैं खासकर जो बेसिकली लेट क्वाटिनेरी जियोलॉजिकल एक एज थी ठीक है इसके बाद देखिए ये बेडलैंड टोपोग्राफी दिखाते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी मतलब उबड़ खाबड़ टूटा फूटा है ना देखिए इस तरीके से कोई मतलब आपको एक ऐसे प्लेन मैदान टाइप का घाटी टाइप का नहीं दिख रहा है तो यहाँ का बेसिकली क्या दिखता है गुलीज़ हैं सेंड यूज हैं बोल चैनल्स हैं तो एक बैट टोपोग्राफी यहाँ की दिखती है ये बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर रिसर्च की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की क्योंकि ये ग्लेशियल पीरियड को भी देख चुके हैं अब ये वार्म पीरियड को भी देख रहे हैं ठीक है तो ग्लेशियल पीरियड के टाइम से ये है अभी वार्म पीरियड तक है तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के पैटर्न को समझने में हमें हेल्प करेंगे राइट right? क्लियर चले फोर्थ टॉपिक पे चले चलिए भाई अगर लाइक नहीं किया है तो पता चल गया ना कैसा पड़ रहा है लाइक कर दो यार वीडियो को है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हमारा जो है कौनियाना सेंचुरी ये न्यूज में थी दरअसल एक ऑल फीमेल हर्ट एलिफेंट का जो एक झुंड होता है उसको हर्ट बोल देते हैं तो सारी मादा जो एलिफेंट्स हैं उनका जो एक झुंड है वो दरअसल गुड़िया टम और पैरानम बट्टू तमिलनाडु के अंदर है वहाँ से निकल कर एक कोंडियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ जा रही है जो कि आंध्र प्रदेश में है ठीक है तो ये कुंड बड़ा मुश्किल नाम है यार ठीक है तो ये कुंटिनाना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में देखते हैं देखिए एक वन्य जीव अभ्यारण्य तो है ही सात्मिक एलिफेंट रिजर्व भी है कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है किस तरह की यहाँ पे आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं वनस्पति मिलती है तो ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं शुष्क जो है आपको बेसिकली यहाँ पर आप कहेंगे कि वन मिलते हैं ठीक है ये एक रीज़न है जो कोलार प्लेटू एंड यहाँ होता है ठीक है उसकी जो स्लोप्स हैं, वो बाद में नीचे तमिलनाडु के जो प्लेन्स है वहां तक चली जाती है और बीच में काफी वैली और घाट क्रिएट होते हैं तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सिच, सिच, रीजन में सिचुएटेड है वो बेसिकली कोला प्लेट टू वहाँ पर एंड होता है एंड देन वो स्लोप डाउन हो जाता है नीचे तमिलनाडु के मैदानों की ओर यहाँ का अगर इम्पोर्टेंट फ्लोरा की बात करें तो आकाशिया जैसे है सैंटलम एल्बम है बैम्बू है ठीक है इस तरह के यहाँ पे कुछ मिलते हैं लगभग आप मान के चलेंगे सेवेंटी फाइव प्लस एलिफेंट्स यहाँ पर मिलते हैं और जो येल्लो थ्रोटेड बुलबुल होती है जो कि है, है? ठीक है? वो भी में इस अभ्यारण के अंदर मिलती है तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ठीक है आप एक पिक्चर के माध्यम से चीजें देख सकते हैं। ओके स्पीड ज्यादा तो नहीं है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा चलिए फिफ्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं तो आपका जो विजम पोर्ट है ये न्यूज़ में था तो देखिए अभी क्या हुआ ना इस पोर्ट को लेकर जो वहाँ का चर्च है वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहा है जिसमें साथ में जो आप कह सकते हैं आपके मछुआरे होते हैं उनको लेकर जो है उनके कोस को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है एंड टू साइड है हमेशा जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो हम उसके पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाएंगे कि इट इज़ राइट और रॉन्ग न्यूज में ये इसलिए था एक तो प्रोटेस्ट की वजह से दूसरा जो केरला गवर्नमेंट है उसने ये बात मान ली थी अपोजिशन पार्टी की कि लेट्स डिस्कस इट ठीक है चलो उस पर डिबेट कर लेते हैं ओके तो कुछ इस तरह से न्यूज में था तो ये कहाँ पे है जो साउदर्न टिप ऑफ साउद इंडियन पैनेसुला है वहां पर है ये आप देखिए ये अगर भारत का एक मैप है ये आपको केरला दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये केरल है यहीं पर बेसिकली आपको ये दिखाई देता है ठीक है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा देखिए मैंने बताया ना ये विजिजाम पोर्ट यहाँ आपको ये दिखता है ठीक है क्लियर हो गया और ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि जो मेजर इंटरनेशनल सी रूट्स हैं ठीक है जो मेजर इंटरनेशनल सी रूट्स है उससे 10 नॉटिकल मील की दूरी पर ही बस है ठीक है 12 नॉटिकल मील तक हमारा अपना टेरिटोरियल वाटर होता है है ना और उसके बाद जब इंटरनेशनल सी लाइन शुरू हो रही है टेन नोटिकल मील पर ये है तो इम्पोर्टेंट है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेरी टाइम डेवलपमेंट में चाहे वो भारत की हो या केरला की हो ठीक है थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो भी इससे जनरेट होने वाली है तो जस्ट पता हो कि कहाँ है है ना तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक टॉपिक की की तरफ की तरफ एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है महाराष्ट्र की जो तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एक किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों तरफ बनाने से क्या है एग्जिम कर दिया है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है ना उनके चारों तरफ आपको एक इको सेंसिटिव जोन बनाना पड़ेगा इस इको सेंसिटिव जोन के लिए कुछ सख्त नियम कानून है वगैरह को लेके रूल्स है आप बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे निर्माण वगैरह नहीं कर सकते तो कुछ राज्य सरकार इसका विरोध भी कर रही थी है ना तो एक पूरा न्यूज चल रहा था जो हमने अपने न्यूज पेपर डिस्कशन वीडियो में किया था अभी हम यहाँ पे प्लेसेज न्यूज अगर कर रहे हैं तो इस वन्य जीव अभ्यारण पे फोकस रखेंगे तो देखिये इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो में डिक्लेयर कर दिया गया था ये एक माउंटेन प्लेटू है जो कि विरार और वशाई के बीच में आता है ठीक है इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना बेसिकली ये एक नेशनल पार्क और दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कॉरिडोर का काम करती है फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज दी वन नेशनल पार्क दिस इज द अनदर वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये कॉरिडोर की तरह यहाँ पर फैली हुई है ठीक है कौन कौन सी है संजय गांधी नेशनल पार्क और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रिलियम्स में इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं इसलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा लोकेशन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके से तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई देती है ठीक है क्लियर अब इसके बारे में देखेंगे सबसे बहुत ही ज्यादा जरूरी तीन डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स ड्राई डेसीडियस भी मिलते हैं मोस्ट डेसीडियस भी मिलते हैं और सेमी एवरग्रीन भी मिलते हैं ठीक है इसकी जो बायोडावर्सिटी है वो काफी रिच है देखिए तीन तरह के अगर फॉरेस्ट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है इकोसिस्टम के अंदर एक विविधता देखने को मिल रही है तो उस हिसाब से फ्लोरा फ्लोना भी इन टाइप का होगा तो बायोडावर्सिटी यहाँ की क्या है काफी हाई है देर आर सर्टेन नेम्स जो दिए गए हैं ठीक है तो तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइट अब यहाँ पे टॉपिक्स तो हमारे जो है एंड होते हैं अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जैसे यहाँ पे ओका वांगो डेल्टा के संदर्भ में तीन कथन आपको जो है दिए गए हैं आपको इनका आंसर बताना है कि ओका वांगो नदी द्वारा बनाया गया है जो अंगोला की उच्च भूमि में उत्पन्न होती है अफ्रीका के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है एक प्रकार का एंड्रोहिक डेल्टा है ठीक है ये तीन फैक्ट है आपको बताना कि ये सही है गलत है या क्या है देन चूज अ आंसर ठीक है आंसर भाई देखना नहीं है स्लाइड पे ठीक है उसके बाद इधर देखिए तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण के संदर्भ में अगेन दो कथन आपको दिए गए हैं एक पहाड़ी पठार है जो विरार और वसाई के बीच में स्थित है और क्या पूछा है अभ्यारण्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तनसा वन्यजीव अभ्यारण के बीच में गलियारा बनाता है देखो जिस तरह की स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है ना जो आपको याद रखनी ही रखनी चाहिए उनको फिर हम क्वेश्चन में ले लेते हैं ताकि जब आप क्वेश्चन को भी अगर सिर्फ रिवाइज करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके जो है रिवाइज हो जाए अगेन इसको आपने क्या है सॉल्व करना है ठीक है यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि चीज़ें इंप्रूव हो अच्छी हो आपके लिए मोर हेल्पफुल हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे फैकल्टीज़ के द्वारा आपको बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया जा रहा है आपको जो भी क्लासेस इंटरेस्टिंग लगती हैं जो भी आपके काम की लगती है सारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा थैंक यू सो मच धन्यवाद जय हिंद